व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन जिसे हम अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बना चुके हैं, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना करना ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नॉर्मली दोस्तों, इसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठाते हैं जिन्हें की फेक न्यूज़ इधर उधर भेजने में बहुत ही मज़ा आता है, जो चाहते हैं कि हमारे समाज में शांति ना बनी रहे। तो उसी को देखते हुए व्हाट्सएप ने कुछ दिनों पहले ही अपना एक नया अपडेट जारी किया है, जिसे उन्होंने नाम दिया है चेक पॉइंट के नाम से, जिसमें कि अगर कोई भी इंसान आपको कुछ ऐसी खबर भेजता है जिस पर भी आपको शक होता है कि ये खबर गलत तो नहीं है या फिर ये खबर सही है, अगर आप इसे चेक करना चाहते हो तो नॉर्मली आपको उस नंबर पे जो व्हाट्सएप ने जारी किया है चेक पॉइंट नाम से, उस पे आपको संदेश को भेजना होता है और व्हाट्सएप आपको बताता है कि वो खबर सही है या गलत। तो नॉर्मली आज की वीडियो हमारे उसी टॉपिक के ऊपर है। इस टॉपिक के ऊपर मैं इस अपडेट के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज हम रिव्यू करेंगे कि जो चेक पॉइंट नाम की सेवा है क्या वो सही है, क्या वो हमें बताती है कि ये फेक न्यूज़ है या फिर रियल न्यूज़ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटे का निशान है इसे दबा के ऑन कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो दोस्तों सिंपली मैं ले चलता हूँ आपको अपने व्हाट्सअप पर। नॉर्मली दोस्तों आप देख सकते हो इस चेक पॉइंट नाम की जो सेवा है इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको एक नंबर अपने मोबाइल पे सेव करना पड़ेगा, वो नंबर है 9643000888। यानी कि इस नंबर को जैसे ही आप सेव करोगे तो आपके सामने चेक पॉइंट नाम से ऐसा नंबर सेव हो जाएगा। सिंपली आपको करना कुछ नहीं होता, सिंपली कोई भी खबर आपके पास, कोई भी दोस्त आपका अगर आपको कोई खबर भेजता है, सिंपली आपको उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और उसका जवाब वो कुछ ही दिन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आप देख सकते हो मैंने इनको 3 दिन पहले कुछ खबरें भेजी थी जिनके बाद इनका मेरे को रिप्लाई आया, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हो कि खबर सच्ची है तो 1 दबाइए, अगर आप जानना चाहते हो कि खबर गलत है तो 2 दबाइए, ऐसा इनका मैसेज आया। तो नॉर्मली मैंने 1 दबाया हाँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि खबर सही है या गलत है, तो इनका जवाब आया कि संदेश भेजने के लिए आपका शुक्रिया, जल्दी हम आपको कुछ जवाब भेजेंगे। मगर 3 दिन से इनका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कल इनको एक और चीज़ मैसेज भेजा, उसका भी जवाब सेम इनके पास मेरे पास आया, मगर उनका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इनको एक राजनीति से जुड़ी हुई खबर भेजी है, तो इनका संदेश मेरे पास आया है कि इस संदेश को भेजने के लिए धन्यवाद, क्या आपको संदेह है ये कि भारतीय आम चुनाव 2019 से संबंधित गलत सूचना है या सही है, हमें 1 भेजिए। तो मैं नॉर्मली 1 भेजा तो इनका जवाब आता है धन्यवाद, आपका संदेश हमें चुनाव के दौरान व्हाट्सअप पर गलत सूचना के प्रचार में संशोधित के लिए मिला है और हम इसे 24 घंटे के अंदर आपको बताएंगे कि ये खबर सही है गलत। तो दोस्तों इनका रिपीटेड मैसेज आ रहा है नॉर्मली, और ये हमसे खुद ही पूछ रहा है कि ये खबर कहते सच है या गलत है हमें बताइए, और अगर ये सही है तो हमें बताइए और गलत है तो हमें बताइए। दोस्तों हम खुद सोचिए इस सेवा का उपयोग हम क्यों कर रहे हैं। इस सेवा का उपयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जानना है कि हमारे पास जो जो मैसेज आ रहे हैं क्या वो सही है या गलत। मगर जब ये अपडेट हमसे खुद ही पूछ रहा है कि ये खबर सही है या गलत है आप हमें बताइए, तो दोस्तों इस अपडेट का क्या फ़ायदा। अगर ये मेरी वीडियो अगर व्हाट्सएप वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए, इस सेवा को सही से कीजिए, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं और आप जानते हो चुनाव के दौरान ऐसी खबरें इधर उधर फैलती जरूर है, गलत खबरें लोग मैसेज भेजते हैं, कोई भी पार्टी का लोग हो वो इधर उधर मैसेज भेजते हैं और हमें पता नहीं चल पाता कि खबर सही है या गलत है। तो व्हाट्सएप को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस अपडेट में कुछ संशोधन करने चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए जिससे कि हैंड टू हैंड हमें बता दें, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन कोई भी इंसान जवाब की प्रतीक्षा करें ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और मेरे हिसाब से तो ये अपडेट फेल हो चुका है पूरी तरीके से, इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से हमें 2-2, 3-3 दिन तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है, रिपीटेड मैसेज आ रहा है कि वेट कीजिए 24 घंटे। तो दोस्तों अगर इस अपडेट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो या मुझे कोई भी जवाब मिलता आगे से तो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ ऐसे मत चले आना, इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो घंटे का निशान है इसे दबा के ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी हर नई बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ हो।